प्रभाग क्रमांक 19 परिसरात नवीन स्वस्त धान्य दुकान मिळणे बाबत शरद पवार गट राष्ट्रवादीच्या वतीने आमदार शहा यांना निवेदन. अल्पसंख्याक वस्तीत नवीन स्वस्त धान्य दुकान मंजूर करून देण्यात यावे यासाठी शरद पवार गट राष्ट्रवादी अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष जमीर शेख यांच्या नेतृत्वाखाली धुळे शहराचे आमदार फारुख शाह यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटले आहे की अल्पसंख्याक बहुल भागातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता प्रभाग क्रमांक 19 मधील मुल्ला नगर, मिल्लत नगर, शब्बीर नगर, सुलतानिया नगर, शादाब नगर, जनता सोसायटी, बोरसे नगर, ड्रायव्हर सोसायटी या सर्व परिसरात गेल्या 20 ते 25 वर्षापासून एकही स्वस्त धान्य रेशन दुकान नाही. तरी नवीन कार्ड धारकांना नवीन रेशन दुकान या परिसरात मंजूर करून मिळावी अशी मागणी शरद पवार गट राष्ट्रवादी अल्पसंख्याक विभागाच्या वतीने आमदार फारुख शहा यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. यावेळी राष्ट्रवादी अल्पसंख्याक विभाग शहराध्यक्ष जमीर शेख, नगरसेवक मुक्तार बिल्डर, अकील अन्सारी, अन्वर अन्सारी, माजिद पठाण, जुबेर शेख, शाहरुख शहा, जफर शेख, नदीम शेख, अजहर सय्यद, गुड्डू काजी, इमरान शेख व आदी पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते. आज तारीख 8/12/23 गोंदिया शहर के आमदार माननीय आदरणीय फारुख शाह साहब उनके आमदार कार्यालय पर आज हमने निवेदन दिया. निवेदन के विषय ऐसा है कि दुनिया शहर के अल्पसंख्यक समुदाय के आबादी बहुत बढ़ चुकी है. मुस्लिम समुदाय के प्रभाग क्रमांक 19 कम से कम 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार आबादी का एरिया है और 20 से 25 साल पहले तक के पहले की जो रेशन दुकान है स्वस्थ धान्य दुकान जिन्हें आज 20 से 25 साल हो चुके हैं स्वस्थ धान्य दुकान रेशन दुकान नवी कोई मंजूरी नहीं मिली है. इसलिए जनता के हाल होते हैं. उसी ताल्लुक से आज हमने आमदार साहब को निवेदन दिया है और हमारे इस निवेदन को आमदार साहब ने स्वीकारा है और उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द नवीन रेशन दुकान स्वस्थ धान्य दुकान हम मंजूर कराएंगे. इसी के साथ मैं अपने दो शब्द खत्म करता हूँ. जय जय महाराष्ट्र.